करेंगे अगली खबर की। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, यूपी निकाय चुनाव अधिसूचना मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई जारी है। निकाय चुनाव को हरी झंडी या अभी और इंतजार, ये कुछ देर में तय हो जाएगा क्योंकि सुनवाई अभी लगातार जारी है। इलाहाबाद कोर्ट की लखनऊ बेंच में ये सुनवाई चल रही है। तो निकाय चुनाव को लेकर जो सस्पेंस बरकरार है, उम्मीद की जा रही है कि अब से कुछ ही देर बाद जब सुनवाई पूरी हो जाएगी तो ये स्थिति साफ होगी। फिलहाल कोर्ट में सुनवाई चल रही है, देखना होगा कि कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला लिया जाता है। कई याचिकाएं एक के बाद एक डाली गई थी और उसके बाद लगातार सुनवाई चल रही है। पहले 20 तारीख तक रोक लगाई गई थी अधिसूचना जारी करने में, और अब चूंकि कोर्ट में सुनवाई चल रही है तो आज भी अधिसूचना जारी नहीं हो सकती थी। इस वजह से अब देखना यह बहुत दिलचस्प है कि अब आगे कोर्ट की तरफ से क्या कुछ निकल कर आता है और उसके बाद तय होगा कि जो रोक लगी है वो हटेगी। ये अपने गाँव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं, क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। या बरकरार रहेगी। शुभम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शुभम, अभी क्या अपडेट है? देखिए, करीब 15-20 मिनट पहले कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर के जो निकाय चुनाव में आरक्षण के मामले को लेकर के जो सुनवाई थी वो शुरू हो गई है। दोनों ही पक्षों में बहस इस वक्त चल रही है कोर्ट के सामने और तमाम साक्षियों को कोर्ट में रखा जा रहा है दोनों पक्षों की तरफ से। बताते चले कि कल इस पूरे मामले को लेकर के सुनवाई हुई थी जिसमें सरकार की तरफ से आरक्षण को लेकर के तमाम बातें हैं वो रखी गई थी, और उसके साथ साथ आज को लेकर के कोर्ट की तरफ से तारीख दी गई थी जिसमें एक बार फिर सरकार को मौका दिया गया था। और आज रंजन कुमार जो आरक्षण की जो रिपोर्ट थी वो रिपोर्ट आज कोर्ट में उन्होंने पेश की है, सबमिट की है। अब इस पूरे मामले पर कोर्ट उनके सरकार के पक्ष को सुन रहा है, उसके बाद जो याचिकाकर्ता है उनकी तरफ से जो दलीलें दी जा रही हैं दोनों के जवाबों को कोर्ट अभी फिलहाल सुन रहा है। सुनवाई इस पूरे मामले पर चल रही है। उम्मीद यही जताई जा रही है कि आज इस पूरे मामले पर निकाय चुनाव को लेकर के उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट बेंच की तरफ से बड़ा आदेश इस पूरे मामले को ले आ सकता है, क्योंकि तमाम राजनीतिक दलों की निगाहें इस वक्त लखनऊ बेंच हाईकोर्ट पर है, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश में जनवरी के पहले और दूसरे हफ्ते में चुनाव होने की बात कही जा रही थी, लेकिन एक के बाद एक जब याचिकाएं इस पूरे मामले पर पड़ती गई तो ये भी था कि इन मामलों के हल के बाद ही जो इसको लेकर के तारीखों का ऐलान है वो आगे बढ़ सकता है। तो ऐसे में अब सभी की निगाहें कोर्ट पर हैं, जो फैसला आएगा उसके बाद आने वाले दिनों में नगर निकाय चुनाव आगे बढ़ेंगे या तय समय पर ही होंगे ये कुछ ही देर में तय हो जाएगा। शुभम, क्या कुछ ग्राउंड तैयार किया गया, जो याचिकाएं दायर की गई हैं उसमें क्या कुछ कहा गया है? देखिए, याचिका जो दायर की गई है खासतौर से आरक्षण के फॉर्मूले को लेकर के, ओबीसी आरक्षण के फॉर्मूले को लेकर के, तो इसी की रिपोर्ट आज जो रंजन कुमार आईएएस हैं उत्तर प्रदेश की सरकार में प्रशासन में, वो खासतौर से सरकार की तरफ से पूरी रिपोर्ट को उन्होंने सबमिट किया है कि कौन सा फार्मूला कौन से आरक्षण फार्मूले को इस पूरे चुनाव के उसमें रखा गया है, किस चीज़ को ध्यान में रख के ये अधिसूचना जारी की गई थी। तो ऐसे में अब इस रिपोर्ट के वहाँ पर पूरी तरह से सबमिट होने के बाद ये उम्मीद जरूर जताई जा रही है कि अगर याचिका करता की तरफ से कुछ और सवाल पुट अप नहीं किए जाते तो निश्चित तौर पर आज कोई तारीख का ऐलान हो सकता है या फिर इस पूरे मामले पर बड़ा आदेश कोर्ट दे सकता है, क्योंकि एक लंबा समय अब तक जो है कह सकते हैं कि 45 से अधिक याचिकाएं हैं, तो एक एक करके सभी क्रमवार तरीके से बड़ी याचिकाओं पर सुनवाई लगातार कोर्ट की तरफ से की जा रही है। तो ऐसे में बहुत से राजनीतिक दल हैं जो अपनी तैयारियों में भी जुटे हुए हैं, तो आज इस खास तौर से आरक्षण के मामले को लेकर के सरकार की तरफ से भी रंजन कुमार ने अपनी रिपोर्ट पेश की है, और इसके बाद उम्मीद यही है कि याचिकाकर्ता की तरफ से जो भी अपनी बातें हैं अगर वो इस कोर्ट उन बातों से संतुष्ट हो जाता है दोनों ही पक्षों की तरफ से तो आज निश्चित तौर पर एक बड़ा आदेश बड़ा ऐलान कोर्ट की तरफ से। बिल्कुल शुभम, बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम। ये अपने गाँव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं, क्या आपको भी गाँव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।